सो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। और आज इस वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सो गाइस, आज मैं इस वीडियो में बात करने जा रहा हूँ आपसे एक एडिटिंग पीसी के बारे में, जो कि इंटेल का नहीं होगा। इस बार थोड़ा ट्विस्ट लेके आ गया हूँ मैं। इस बार मैं बनाने जा रहा हूँ एक AMD राइजन पीसी। यस गाइस, मैंने अपने चैनल पर देखा, मैंने कोई बहुत सारी इंटेल पीसी बिल्ड तो कर ली, लेकिन हमने एक AMD का कभी भी कोई जिक्र नहीं करा अपने चैनल पर। सो गाइस, आज मैं इस वीडियो के अंदर आपको AMD पीसी बिल्ड दिखाने जा रहा हूँ, जो कि अराउंड 58,000 पीस की हो सकती है। सो गाइस, विदाउट एनी फर्दर लेट्स गेट जंप राइट इनटू इट। नो गाइस, मैंने अपनी सारी की सारी जो लिस्टिंग है सारी की सारी तैयार कर ली, और आप इस टाइम देख सकते होंगे इस तरफ की पॉपअप हो गया होगा। हमारे को टोटल मिल रहा है 58,228 का बिल आ रहा है। सो गाइस, अराउंड 59,000 रुपीज़ हमारे को पड़ जाते हैं, शिपिंग विपिंग चार्ज और कुछ मिला के सब कुछ। सो गाइस, ये हमारे 59,000 का AMD राइजन पीसी बिल्ड है। नो गाइस, स्टार्टिंग ऑफ, सबसे पहले मैं इस पीसी के दिल से स्टार्ट करता हूं। तो हमारे पास यहां पे आ जाता है एक AMD की तरफ से राइजन 5 प्रोसेसर, जो कि 1400 बेस्ड है और जो कि है 12,290 रुपीज़ का। और साथ ही साथ इसमें मैं क्लॉक स्पीड की बात करूँ तो 3.2 GHz की बेस क्लॉक स्पीड है, और टर्बो बूस्ट अप टू है 3.4 GHz, जो कि बहुत बढ़िया है। और इसके अंदर आपको क्वाड कोर प्रोसेसर है, तो आपको इसके अंदर 8 थ्रेड्स भी देखने को मिल जाते हैं। CPU बहुत स्नैपियर भी है, साथ ही साथ बहुत पावरफुल भी और एनर्जी एफिशिएंट भी है। दंगे इसको लगाने के लिए हमारे को चाहिए एक मदरबोर्ड। तो मैंने मदरबोर्ड जो चूज़ करा इधर, वो चूज़ करा मैंने एक बहुत ही बेहतरीन गेमिंग प्रो मदरबोर्ड, जो कि MSI की तरफ से आ जाता है B350M, और ये DDR4 वर्चुअल रियलिटी सब कुछ सपोर्ट करता है, और ये अराउंड 7,790 रुपीज़ का आपको देखने को मिल जाएगा। सो गाइस, यहाँ पे आपको इसके अंदर रेड LEDs भी देखने को मिलेंगी, साथ ही साथ ये ब्लैक कलर का एक्सेंट देता है, तो आपका जो हमारा बिल्ट है वो थोड़ी गेमिंग स्टाइल या फिर एडिटिंग स्टाइल में आपको तब्दील होती दिखेगी थोड़ी देर बाद। एंड गाइस, मैंने जो थर्ड चीज़ इसमें डाली है वो हमारी रैम, जो कि आती है बलिस्टिक की तरफ से स्पोर्ट्स वर्जन, जो कि 8 GB सिंगल चैनल DDR4 रैम है और 2400 MHz पे बेस्ड है। सो गाइस, ये जो रैम है ये 6483 रुपीज़ की है। गाइस, का जो मेरे को लुक्स लगे इसलिए ज़्यादा अच्छे लगे, और मैं चाहता था इसको थोड़ा एक गेमिंग एडिटिंग और गाइस एक अच्छा लुक देना इस पीसी को, तो मैंने इसलिए वाली रैम जो है चूज़ करी। हालांकि ये रैम जो है महंगी और रैम से, बट मेरे को ये अच्छी लगी इसलिए मैंने ये चूज़ करी। थिंग है वो है हमारा ग्राफिक्स कार्ड है। मैंने सोचा था गाइस कि मैं इसके अंदर आपको एक RX 480 लगाऊंगा, जो कि AMD की तरफ से बहुत ज़्यादा नई ऑफरिंग है, बट गाइस वो वाला ग्राफिक्स कार्ड मेरे को ऑनलाइन नहीं मिला, अमेज़न के ऊपर शायद ऑर्डर स्टॉक था आई गेस। सो गाइस, वो वाला मेरे को मिला नहीं, तो मैंने इसमें इसलिए RX 460 लगाया है, जो कि अराउंड 8 या फिर 9 मंथ्स ओल्ड ग्राफिक्स कार्ड है। बट गाइस, ये फिर भी आपका बहुत प्यार से वर्क करेगा, क्योंकि ये 4 GB का ओवरक्लॉक एडिशन GDDR5 बेस्ड ग्राफिक्स कार्ड है, जो कि अराउंड 15,237 रुपीज़ का आ जाता है। और इसके अंदर आपको ब्लैक एंड ऑरेंज एक्सेंट देखने को मिलता है, थोड़ा डिस्क कलर हो गया यहाँ पे। देन गाइस, जो इन सब चीज़ों को पावर देगी वो हमारी पावर सप्लाई, जो कि आ जाती है AVGA की तरफ से 500 W की पावर सप्लाई 80+ रेटिंग के साथ आती है, और अराउंड 4,202 रुपीज़ की आपको देखने को मिल जाएगी। देन गाइस, इनके अंदर मेरे को एक और दो चीज़ें थी स्टोरेज के लिए, हमारे को दो चीज़ें लाइक डिसाइड करनी थी, क्योंकि ये हमारा एडिटिंग एंड गेमिंग पीसी बोथ होने वाला है, तो मैं चाहता था इसके अंदर कि ये स्नैपियर भी हो, साथ ही साथ इसके अंदर जो स्टोरेज हो ज़्यादा भी हो। मैंने इसमें क्या किया, मैंने इसके अंदर एक मैकेनिकल हार्ड ड्राइव लगाई है, साथ ही साथ एक SSD लगाई। तो गाइस, जो मैकेनिकल हार्ड ड्राइव है वो है वेस्टर्न डिजिटल की तरफ से 1 TB की हार्ड ड्राइव, जो कि अराउंड 3680 रुपीज़ की आती है और 7200 RPM पे बेस्ड है। देन गाइस, जो हमारे SSDs के अंदर लगाई है वो है किंगस्टन की तरफ से 128 GB की स्टार्टअप बेस SSD है ये, जो कि अराउंड आ जाती है हमारी 4,699 रुपीज़। सो गाइस, ये सारे पार्ट्स जितने भी थे जैसे कि आपको मैंने बताया, ये तो मैंने सब कुछ ले लिए। अब गाइस, जो हमारा नेक्स्ट थिंग आती है लास्ट की, वो है हमारा सब कुछ, हमने जो अपने पार्ट्स चूज़ तो कर लिए, लेकिन हम उसको लगाएंगे किस में, मतलब कि कैबिनेट क्या चूज़ करा है हमने। सो गाइस, जो हमने कैबिनेट चूज़ करा है इधर, वो है कॉर्सेट की तरफ से, जो कि आ जाता है CC9011050। लिंक जो है डिस्क्रिप्शन दे दिया है, ये तो सीरियल नंबर है इसका। भाई गाइस, ये मिड टावर स्टील गेमिंग केस है, साइज है पूरा का पूरा केस जो ब्लैक है, तो हमारा जो रेड एंड ब्लैक का एक्सेंट था थोड़ा बहुत एक कॉम्प्लीमेंट उसको भी करता है। देन गाइस, यहाँ पे आपको इसके अंदर फैंस के लिए बहुत ज़्यादा स्पेस मिलता है, साथ ही साथ आपको इसके अंदर एक इंक्लूड फैन मिलेगा, जो कि मैंने आपको बताया रेड कलर का होगा। एंड और मदरबोर्ड पे हमारे LEDs हैं, साथ ही साथ इसके अंदर आपको साइड की तरफ में ट्रांसपेरेंट पैनल देखने को मिल जाता है, तो आप ट्रांसपेरेंट पैनल देखने को मिला तो आप इसके अंदर एक LED स्ट्रिप भी थ्रो कर सकते हैं, जैसे कि रेड कलर की या फिर RGB, तो आपका जो एक सेटअप इसका पूरा का पूरा कंप्यूटर का सेटअप होगा, PC सेटअप होगा, वो बहुत ज़्यादा एक अच्छा पॉप आउट करेगा आपके डेस्क के अलग से। ये आ जाता है अराउंड 3846 रुपीज़ का, कॉर्सेट की तरफ से केस है ये। अमेज़न के ऊपर सारी लिस्टिंग जो है मैंने डिस्क्रिप्शन दे दी है। अब आगे यही थी आज की वीडियो, अगर आपको पसंद आई तो कमेंट सेक्शन जरूर बताएं। सो गाइस, नोटिफिकेशन शॉर्ट आउट गोज टू नॉन स्टॉप एंड्रॉइड। एंड गाइस, अगर आप चाहते हैं कि ऐसी नोटिफिकेशन शॉर्ट आउट का आपको ही मिले, तो आप सब्सक्राइब बटन को दबाएं सबसे पहले, और साथ साथ हमारे चैनल के बेल आइकन को दबाएं, जैसे हमारी वीडियो की पहली नोटिफिकेशन आती है आप लोगों को, जो सबसे पहले कमेंट करेगा #NotificationSquad लिख के, और साथ साथ #Family लिख के, क्योंकि गाइस मैं इसलिए #Family कह रहा हूं, बिकॉज गाइस मैंने एम करा है 5,000 सब्सक्राइबर्स टिल 2017 के एंड दिसंबर तक,
तो हम लोग, मुझे पता है आप लोग कर सकते हैं वो, तो प्लीज़ सब्सक्राइब का बटन जरूर दबा दें। एंड एनीवेज गाइस, थैंक्स सो मच फॉर वॉचिंग एंड आई विल कैच यू गाइस माय नेक्स्ट वन। टिल द टाइम, रेस्ट।